हेलो फ्रेंड, एडूज में आपका स्वागत है। मैं साहिल सिंह, रीजनिंग फैकल्टी। आज हम लोग रेलवे की एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा जो पार्ट है नंबर या सिंबल कोडिंग, उस तीसरा पार्ट का हम लोग चौथा टाइप करने जा रहे हैं। इसके पहले तीन टाइप हो चुका है इस पार्ट का, और इस चौथा पार्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जिसको हम लोग कॉमन सेंस के आधार पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग तो कॉमन सेंस है ही। तो इसमें लिखा हुआ है, यदि ए को चार से, बी को तीन से, सी को दो से, डी को फिर चार से, ई को तीन से, एफ को दो से, और आगे भी इसी प्रकार लिखा जाए, तो सिक के अक्षरों के संख्यात्मक मान का योग कितना होगा। आप देख रहे हैं कि ए का कोडिंग क्या है, फोर है। ए का कोडिंग फोर है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए का कोडिंग फोर है। फिर लिखा जा रहा है कि बी को तीन से, बी का कोडिंग जो है यह तीन से। फिर सी को दो से, सी का कोडिंग जो हो गया यह दो से हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो सी के बाद क्या आता है, डी। डी को कह रहा है चार से कोड किया गया है। अब बताइए, दो के बाद यहाँ एक नहीं है, जीरो नहीं है, दो तक यानी कि चार तीन दो अंकों का प्रयोग किया गया। ए से लेकर सी तक आप तीन अंक यहाँ पर, तीन लेटर का कोडिंग, चार तीन दो, फिर चार से शुरू कर रहे हैं तो फिर चार तीन दो होगा, फिर चार तीन दो होगा, बार बार यह चार तीन दो, चार तीन दो, आगे यहाँ लेटर बढ़ते जाएगा और यह चार तीन दो बार बार रिपीट होते जाएगा और प्रत्येक लेटर का एक कोड बनते जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है डी को चार से, फिर ई को लिखा हुआ है ई को तीन से, फिर एफ को दो से, और आगे भी इसी प्रकार लिखा जाए। तो आप सोचिए, ए बी सी डी ई एफ, लेटर का क्रम तो आगे बढ़ते जा रहा है, कहीं भी गैप नहीं हो रहा है, लेकिन डिजिट देखते हैं तो ए का चार, बी का तीन, सी का दो, फिर डी का चार, ई का तीन, एफ का दो, फिर आगे बढ़ेंगे तो जी आएगा, एच आएगा, आई आएगा, तब इनका कोडिंग क्या होगा। बस यही जो आपका चार तीन दो, चार तीन दो, चार तीन दो, फिर चार तीन दो, तीन लेटर के लिए हो जाएगा चार तीन दो, फिर उसके बाद यहाँ लेटर उसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे और यह चार तीन दो रिपीट होते जाएगा, तो आई तक हो गया। और हम लोग को सिक में देखा जाए तो सिक में एस, एस सबसे बड़ा यहाँ अंक आएगा, यानी कि लेटर है सबसे आगे है, तो यहाँ तक कम से कम पता करना पड़ेगा, तभी तो पता होगा कि एस का कितना मान आया, आई का कितना मान आया, सी का कितना, के का कितना मान आया, तब उनको जोड़ेंगे तब हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो आई का पता चल गया, यहाँ पर दो हो गया, फिर तीन लेटर और आगे बढ़ते हैं तो जे के एल, तो इसमें भी क्या हो जाएगा चार तीन दो। फिर आगे बढ़ते हैं एल के बाद एम एन ओ, तो अब इसमें भी देखिए चार तीन दो। अब ओ के बाद आगे बढ़ते हैं तो पी क्यू आर, तो यहाँ भी चार तीन दो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आर के बाद क्या हो जाएगा एस, का क्या हो जाएगा चार हो जाएगा। अब यहाँ एस जो था हमारा सबसे लास्ट लेटर था, और वह हमारा पता चल गया कि एस का भी कोड क्या होगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं एस का कोडिंग, अगर आपको पता करना हो तो एस का कोडिंग क्या है, फोर है, तो यहाँ पर हम फोर लिखेंगे। आई का कोडिंग पता करना है तो आई का कोडिंग आप देख सकते हैं दो है, और इस तरह से प्लस यहाँ पर हो जाएगा दो, फिर उसके बाद प्लस। सी का कोडिंग पता करना है तो वह तो दो है, और फिर उसके बाद के का कोडिंग पता करना है तो के का कोडिंग तीन है, और यह आपके प्रत्येक लेटर का यहाँ कोड दिया गया, और प्रत्येक के लेटर के यानी कि सिक के अक्षरों के संख्यात्मक मान का योग, यानी कि सिक के जितने भी अक्षर हैं इनका संख्या मान ये आया, और इनका योग कितना होगा, तो अब इनको जोड़कर हमको आंसर प्राप्त कर देना है। तो सोचिए चार दो छः दो आठ और तीन ग्यारह हो जाएगा, इलेवन हमारा आंसर हो गया। फिर उसी प्रकार अगर दूसरा क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि B को 8 से, F को 6 से, Q को 4 से, D को 7 से, T को 2 से, M को 3 से, और K को 5 कोड किया जाता है,
तो QKTBFM का कोड क्या होगा? आप यहां देख रहे हैं कि किसी भी लेटर का सीक्वेंस यहां नहीं है, यहां पर कुछ लेटर को बिन बिन करके चुन चुन कर यहां पर क्या किया गया है, कोड किया गया है। आप देखिए यहां बी का कोड 8 दिया है, तब सी ना सी है ना डी है ना ई है, डायरेक्ट एफ पर आ गया और एफ का कोड यहां 6 दे दिया गया। उसके बाद इसके आगे कई लेटर हैं, लेकिन उसके आगे बढ़ते हुए हम क्यू के पास आते हैं तो फिर यहां 4 कोड हो गया। फिर उसके बाद डी के पास आते हैं, देखिए कितना पीछे आए, तो D का कोड यहाँ 7 बताया जा रहा है, T का कोड 2 दिया गया है, M का कोड 3 दिया गया है और K का कोड 5। यानी कि यह जो कोड दिया गया है प्रत्येक लेटर के यहाँ पर, इसके अलावे अगर किसी लेटर का कोड यहाँ पर पता करना हो तो वह मतलब कि उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो कोड दिया है और जितने इसमें लेटर प्रयोग किए गए हैं उसी लेटर के आधार पर यहाँ क्वेश्चन भी किया गया है, कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा लेटर नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर लेटर प्रयोग किया गया है उन्हीं लेटर का कोड देखकर इसमें बस पुट कर देना है, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे क्यू का कोड पता करना है तो क्यू का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, क्यू का कोड क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर 4 लिखाया। के का कोड पता करना है तो के को 5 से लिखा गया है तो इसका 5 हो जाएगा। टी का कोड पता करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ टी का कोड क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। बी का कोड पता करना है तो शुरू में ही दिया हुआ है, बी को 8 से, यानी कि 8 हो जाएगा। एफ का कोड पता करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एफ को 6 से, यानी कि इसका 6 कोड हो जाएगा। एम का कोड पता करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एम को कैसे लिखा गया है, 3 से, यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक लेटर का जो क्वेश्चन में डिमांड था उसमें जितने भी लेटर थे उन सब का कोड क्वेश्चन में ही कर दिया गया है, तो वहाँ से बस आपको पिकअप करके यहाँ पुट कर देना था और ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ये बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए इसमें 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाइए और अपना आंसर को प्राप्त कीजिए। तो इस तरह से ये मेरा चौथा टाइप जो है ये भी समाप्त होता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।